उदाहरण 11। निम्नलिखित त्रिकोणमिति समीकरण के लिए ज्ञात कीजिए जहां शून्य अंश छोटा है या बराबर है थीटा से, या थीटा का मान छोटा है या बराबर है 90 अंश से। कॉस थीटा बटा कोसेक थीटा धन एक धन कॉस थीटा बटा कोसेक थीटा ऋण एक बराबर 2। हल, सबसे पहले हम यहाँ पे इस दिए गए समीकरण में लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम हमारा आएगा कोष्टक में कोसेक थीटा धन एक और कोसेक थीटा ऋण एक। अब इस लघुत्तम को इससे भाग देंगे कोसेक थीटा धन एक से, तो ये दोनों कटेगा और कोसेक थीटा ऋण एक बचेगा, जिसे हम कॉस थीटा से अंश वाले अंश में जो कॉस थीटा उसे गुणा करेंगे, तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा और कोष्टक में कोसेक थीटा ऋण एक धन। पुनः कोसेक थीटा धन एक और कोसेक थीटा ऋण एक को कोसेक थीटा ऋण एक से भाग देने पर ये दोनों मान कट जाएगा और कोसेक थीटा धन एक को हम कॉस थीटा से गुणा करेंगे, तो ये है कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा धन एक बराबर 2। या दोनों पक्षों में कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो कोष्टक के अंदर में बचेगा हमारे पास कोसेक थीटा ऋण एक धन कोसेक थीटा धन एक कोष्टक बंद बटा, यहाँ हम सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे ए धन बी ए ऋण बी, जो होता है एक की घात 2 ऋण बी की घात 2। तो यहाँ सर्वसमिका का प्रयोग करने से ये बन जाएगा कोसेक की घात 2 थीटा ऋण एक का वर्ग बराबर 1 बराबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का योग 2 कोसेक थीटा हो जाएगा और ऋण एक धन एक जो है यहाँ पे धन एक यहाँ बचेगा हमारा, जो धन ऋण एक और धन एक कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा कोसेक कॉस थीटा गुणा ऋण एक और धन एक हमारा कट गया, तो कोसेक थीटा धन कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा बटा कोसेक थीटा कोसेक की घात 2 थीटा ऋण एक का मान होता है कॉट की घात 2 थीटा बराबर 2, चूँकि हम जानते हैं कि कोसेक की घात 2 थीटा ऋण एक बराबर कॉट की घात 2 थीटा होता है, या कॉस थीटा गुणा 2 गुणा कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा बटा कॉट की घात 2 थीटा बराबर 2, या 2 कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉट की घात 2 थीटा बराबर 2। आगे देखते हैं 2 कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉट की घात 2 थीटा बराबर 2,
हमने देखा था, या दो कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो है हमारा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो हम लिखेंगे इसको दो कॉट थीटा बटा कॉट की घात दो थीटा बराबर दो। अंश और हर से कॉट थीटा को काटने पर हमें प्राप्त होगा दो बटा कॉट थीटा बराबर दो, या तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, तिर्यक गुणा नहीं करेंगे हम यहाँ पे, एक बटा कॉट थीटा को हम लिखेंगे, एक बटा कॉट थीटा को हम लिखेंगे टेन थीटा, तो हमें प्राप्त होगा दो टेन थीटा बराबर दो, या दोनों पक्षों से दो को काटेंगे हम, या दो का पक्षांतर करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें प्राप्त होगा टेन थीटा बराबर दो बटा दो हो जाएगा, उसका मान एक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि टेन थीटा बराबर एक जो आता है सारणी में, टेन के टेन पैंतालीस अंश में आता है, तो एक एक के स्थान में हम टेन पैंतालीस लिखेंगे। इस तरह से हमें प्राप्त होगा थीटा का मान पैंतालीस अंश। तो इस तरह से हमने इस समीकरण का हल थीटा बराबर पैंतालीस ज्ञात किया।